Hello students, welcome to this channel SIT classes. If you are new to this channel, do subscribe to this channel. My name is Shakti and I'll be taking your classes here in this channel. तो ये NTSC का लेक्चर नंबर 7 है जहाँ पर हम फिजिक्स का जो यूनिट तुम्हारा मोशन है और इसका यूनिट नंबर तुम्हारा 7 हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. वंस अगेन इस लेक्चर में अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो इसके पहले के जो लेक्चर्स हैं लेक्चर्स नंबर 1-6 इस सभी के लिंक्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं तो वहाँ पर जा कर के समझ सकते हो. और फिर भी अगर तुम्हें कोई डाउट हो रहा है समझने में कोई भी डाउट्स हैं कोई भी क्वेश्चंस हैं फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू गाइज आउट. इस लेक्चर के बेसिस में कुछ टेस्ट क्वेश्चंस अवेलेबल हैं जो कि तुम्हारा टोटली फ्री हैं और इसके लिंक्स तुम्हारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं. तो इन टेस्ट को अपीयर करके तुम चेक कर सकते हो कि इस लेक्चर के बेसिस में जो भी कंसेप्ट बताए गए हैं वो तुम्हारे लिए कितना क्लैरिटी लाया है. ओके तो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट दिस लेक्चर. तो मोशन अंडर ग्रेविटी, तो यहाँ पे क्या है कि ग्रेविटेशन एग्जिस्ट कर रहा है तुम्हारे चारों ओर. ठीक है, तो ये तुम्हारा अर्थ सरफेस है, ये हमारा अर्थ सरफेस है और जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ काम करता है. ठीक है, तो ऐसे में अगर किसी ऑब्जेक्ट को अगर ऊपर की तरफ फेंका जाए और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर नीचे की तरफ काम करे. ठीक है, अगर बॉडी को ऊपर की तरफ फेंका जाए और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर नीचे की तरफ काम करे तो इस केस में तुम्हारा ये क्या हो रहा है, बॉडी जो है धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ ट्रैवल करेगा पर यहाँ पर एट मैक्सिमम हाइट पे पहुँचेगा. ये पॉइंट बी क्या हो गया, दिस इज द मैक्सिमम हाइट. इस मैक्सिमम हाइट में पहुँचने के बाद क्या होगा कि ये बॉडी जो है ये फिर से नीचे की तरफ गिरने लगेगा. बिकॉज ऑफ दिस जी एक्सेलेशन नीचे की तरफ गिरने लगेगा. तो इस केस में तुम्हारा क्या हो गया, बी सी वाले पार्ट में क्या है, द बॉडी इज फॉलिंग डाउनवर्ड्स और ए बी वाले पार्ट में क्या है, द बॉडी इज गोइंग अपवर्ड्स. ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि वेन अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स देन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन. ठीक है, तो यहाँ पे वेलोसिटी जो है ऊपर की तरफ है. ठीक है, When the body is moving upwards, when the body is moving upwards, ठीक है, direction of velocity is vertically upwards, direction of velocity is vertically upwards और direction of acceleration जो है यहाँ पर acceleration क्या है, acceleration is acceleration due to gravity written as small g. ठीक है, तो direction of acceleration acceleration due to gravity is vertically downwards. Direction of acceleration due to gravity is vertically downwards. Okay? तो जब तुम्हारा बॉडी ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन जो है वो नीचे की तरफ है और बॉडी का वेलोसिटी जो है वो ऊपर की तरफ और तुम्हारा क्या हो रहा है, ऐसे करके क्लाइंब कर रहा है ऊपर की तरफ. तो ऐसे में जब ए से लेकर के बी ऊपर की तरफ जाने के टाइम सिंस एक्सेलरेशन इज एक्टिंग इन एन ऑपोजिट डायरेक्शन, तुम्हारा क्या होगा, बॉडी का वेलोसिटी जो है वो तुम्हारा धीरे धीरे करके कम होता जाएगा. कम होते होते जब मैक्सिमम हाइट रीच करेगा इस पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते, ठीक है, यहां पर जो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा जीरो हो जाएगा बिकॉज एक्सेलरेशन इज एक्टिंग इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू वेलोसिटी. तो ये क्या है, केस ऑफ रिटार्डेशन है. फिर जब बी से लेकर के सी तक जब बॉडी नीचे गिर रहा है तो यहां पर क्या हो जाएगा, इस केस के लिए बॉडी
का यहाँ पे क्या है, इनिशियल यहाँ पे इस पॉइंट पे इसका वेलोसिटी जीरो हो गया, तो यहाँ पर जी क्या हो जाएगा, जी जो है इस वेलोसिटी का मतलब इस बॉडी का वेलोसिटी जो है इसको यहाँ से इंक्रीज करके ला करके पॉइंट सी में क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ स्ट्राइक करेगा, जो कि तुम्हारा इट विल बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ यू इटसेल्फ, जिस वेलोसिटी से फेंके ये उसी वेलोसिटी के साथ वापस स्ट्राइक करेगा बिकॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन व्हेन द बॉडी इज मूविंग अपवर्ड्स। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, इनिशियली हम बॉडी को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं जबकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो नीचे की तरफ काम कर रहा है। ठीक है, तो एज द बॉडी क्लाइम्ब्स अपवर्ड्स, क्लाइम्ब्स अप, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सिलरेशन, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सिलरेशन, तो ऐसे में तुम्हारा क्या होगा, द बॉडी अंडरगोस रिटार्डेशन, द बॉडी अंडरगोज रिटार्डेशन। इसका मतलब कि एज द बॉडी मूव्स अप, एज द बॉडी मूव्स अप इट लूजेज इट्स वेलोसिटी एंड एट मैक्सिमम हाइट, एंड एट मैक्सिमम हाइट इट्स वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, हम यहां पे क्या देखेंगे, इसका सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट देखेंगे, मतलब ऊपर जाने में कितना टाइम लग रहा है, फिर मैक्सिमम हाइट देखेंगे, उसके बाद फिर देखेंगे फाइनल वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट, फिर देखेंगे फाइनल वेलोसिटी विथ विच इट हिट्स दी ग्राउंड। ठीक है, और फिर तुम्हारा टाइम टू रीच हाफ द मैक्सिमम हाइट और टाइम टू रीच एट एनी जनरल हाइट एच, इन सभी के इक्वेशंस को वन बाय वन डिराइव करके सेपरेटली सॉल्व करके देखेंगे। तो बेसिकली टाइम ऑफ फ्लाइट इज द टाइम, इट इज द टाइम स्पेंड बाय बॉडी इन एयर। ठीक है, तो ऐसे करके अगर एक ऑब्जेक्ट को यहां से अगर फेंके यू वेलोसिटी के साथ, ये क्या हो गया, ऐसे करके ऊपर गया और फिर ऊपर से जा करके फिर नीचे आकर के वापस यहां पे स्ट्राइक किया। ठीक है, तो एयर में जितना टाइम स्पेंड हुआ दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट, उसको कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो दिस इज योर टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, तो देखो टाइम ऑफ फ्लाइट का इक्वेशन निकालने के लिए, ठीक है, सबसे पहले यहां पर क्या हो रहा है, बॉडी ऊपर क्लाइंब कर रहा है मतलब एसेंट हो रहा है, और फिर नीचे गिर रहा है मतलब क्या हो रहा है, डिसेंट हो रहा है। ठीक है, तो टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, ऊपर चढ़ने में जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम इसको नीचे गिरने में लगेगा। तो सबसे पहले लिखते हैं दैट टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। ठीक है, मतलब ऊपर चढ़ने में जितना टाइम लग रहा है उतना टाइम नीचे गिरने में लग रहा है, तो ऐसे में टाइम ऑफ फ्लाइट जो है ऐसे में टाइम ऑफ फ्लाइट जो है दैट इज इक्वल टू ट्वाइस द टाइम ऑफ एसेंट, ठीक है, और इज इक्वल टू ट्वाइस द टाइम ऑफ डिसेंट। ठीक है,
तो बॉडी का देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, बॉडी ऊपर की तरफ थ्रो किया गया है, और मान लो यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसको ऊपर क्लाइंब करने में लगा टी टाइम, ठीक है। तो यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। फाइनल वेलोसिटी देखो एट मैक्सिमम हाइट क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी होता है तुम्हारा जीरो, इनिशियल वेलोसिटी यू के साथ फेंका गया, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो तुम्हारा माइनस जी ले लेंगे, क्योंकि एक्सेलेरेशन का डायरेक्शन इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। टी तो तुम्हारा टाइम ऑफ एसेंट दिया हुआ है, ये हमें निकालना है। तो इन सारे वैल्यूज को यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते हो, वी तुम्हारा हो गया जीरो, दैट इज इक्वल टू यू प्लस ए, ए की जगह क्या लिख सकते हैं माइनस जी इंटू टी। इसको अगर सिंप्लीफाई कर लें तो टी इज इक्वल टू यू अपॉन जी। तो ये टी क्या है, दिस टी इज योर टाइम ऑफ एसेंट, ठीक है। आफ्टर दैट अगर टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना हो, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू ट्वाइस द टाइम ऑफ एसेंट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैन बी रिटन एज इज इक्वल टू टू इंटू टाइम ऑफ एसेंट, दैट इज इक्वल टू टू इंटू यू अपॉन जी। तो टाइम ऑफ लाइट टी इज इक्वल टू टू यू अपॉन जी, ठीक है। दिस इज द टोटल टाइम स्पेंड बाय दिस मूविंग बॉडी इन एयर, टोटल टाइम स्पेंड इन एयर, ओके। तो जब बॉडी को ऊपर की तरफ फेंका गया है तो ऐसे में मैक्सिमम हाइट कितना ट्रैवल हो रहा है, ठीक है, मैक्सिमम हाइट कितना ट्रैवल हो रहा है। तो बेसिकली क्या है कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसको यू वेलोसिटी के साथ फेंका गया, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में तुम्हारा जी एक्सेलरेशन काम कर रहा है, ये ऊपर की तरफ गया और ऐसे ट्रैवल करके वापस ऐसे ग्राउंड में ऐसे स्ट्राइक किया, तो ये तुम्हारा कितना हो गया, दिस इज योर मैक्सिमम हाइट, दिस इज द मैक्सिमम हाइट। और मैक्सिमम हाइट में तुम्हारा क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी जीरो होता है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑपोजिट डायरेक्शन में नीचे की तरफ काम कर रहा है। तो मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे देखो यू वेलोसिटी के साथ फेंके हैं, एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू माइनस जी, क्योंकि एक्सेलेरेशन जो है वो तुम्हारा ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट जो है दैट इज इक्वल टू मैक्सिमम हाइट, ठीक है, इसका इक्वेशन हमें निकालना है। तो और फाइनल वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू जीरो। तो यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू ए एस, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी हो गया जीरो का स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज इक्वल टू माइनस जी इंटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू मैक्सिमम हाइट, ठीक है। तो इसको अगर सिंप्लीफाई कर लें क्या हो जाएगा, माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस टू जी एच मैक्स। तो माइनस और माइनस कैंसिल हुआ, तो यहां से निकाल सकते हैं दैट मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन टू जी, ठीक है। दिस इज द इक्वेशन फॉर मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट ट्रेवल्ड व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स। फाइनल वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट, तो बॉडी जो है इसको ऊपर की तरफ यू मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी के साथ फेंका गया था, नीचे की तरफ जी एक्सेलेरेशन काम कर रहा था। तो ये जब ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो ये तुम्हारा केस क्या है, रिटार्डेशन का है। इसका मतलब बॉडी जब ऊपर की तरफ जा रहा है, बॉडी तरफ जब ऊपर की तरफ जा रहा है तो इट इज़ लूजिंग इट्स वेलोसिटी,
तो वेलोसिटी लूज करते करते तुम्हारा एक ऐसा पॉइंट आएगा जब तुम्हारा फाइनल वेलोसिटी जीरो हो, एंड दैट इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट। तो फाइनल वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट इज जीरो, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी विथ विच इट हिट्स द ग्राउंड। तो बेसिकली इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में क्या हो रहा है कि यहां पे ऐसे ग्राउंड है, ग्राउंड से ऐसे करके फेंका गया, ये बॉडी यहां तक पहुंचा और उसके बाद फिर वापस नीचे गिरा यहां पे। तो यहां पे जो तुम्हारा वेलोसिटी था दैट वाज इक्वल टू यू मीटर्स पर सेकेंड, और नीचे की तरफ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो काम कर रहा था वो तुम्हारा जी। तो जब ऊपर की तरफ जा रहा है तो क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है, और धीरे धीरे करके अपना वेलोसिटी लूज करते करते क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी हो जाता है जीरो एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट। अब ऊपर के को चढ़ने में तुम्हारा जो टाइम लगा दैट इज इक्वल टू टाइम ऑफ एसेंट, एंड टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, ठीक है। तो लिख सकते हैं यहाँ पे दैट टाइम ऑफ डिसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ एसेंट, दैट इज इक्वल टू टी, ठीक है। और टाइम ऑफ एसेंट का हम निकाले थे फॉर्मूला, टी इज इक्वल टू टू यू अपॉन, सॉरी टी इज इक्वल टू यू अपॉन जी, टी इज इक्वल टू यू अपॉन जी। तो अब जब तुम्हारा इस पॉइंट पे देखो फाइनल वेलोसिटी तुम्हारा यहाँ पे जब तुम्हारा नीचे गिर रहा है, तो इस केस के लिए इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो गया क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक का बॉडी नीचे गिर रहा है, नीचे की तरफ में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तुम्हारा जी है, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी विद विच दिस विल हिट द ग्राउंड उसको ले लेते हैं वी। तो यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी हमको निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी तुम्हारा हो गया जीरो प्लस एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज इक्वल टू जी इंटू टाइम, टाइम इज इक्वल टू क्या है तुम्हारा यू अपॉन जी। तो देख सकते हैं फाइनल वेलोसिटी विथ विच द बॉडी इज हिटिंग द ग्राउंड इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी विथ विच द बॉडी वॉज थ्रोन। फाइनल वेलोसिटी विथ विच बॉडी हिट्स द ग्राउंड इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी विथ विच द बॉडी वॉज थ्रोन। नाउ टाइम टू रीच हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट, टाइम टू रीच हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट। तो यहां पे क्या हो रहा है कि ऐसे करके बॉडी को फेंका गया, ठीक है, यहां से ऐसे बॉडी को फेंका गया, और आइडियली क्या होता, बॉडी ऐसे करके जाके ट्रेवल करके मैक्सिमम हाइट पहुंचता और फिर नीचे की तरफ गिरता। तो ये तुम्हारा पॉइंट हो गया, ये तुम्हारा पॉइंट हो गया मैक्सिमम हाइट का, और यहाँ पे ये तुम्हारा पॉइंट हो गया दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ मैक्सिमम हाइट। तो जो मैक्सिमम हाइट है इसको ले लेते हैं एच फॉर सिंप्लिसिटी पर्पज। तो हाफ ऑफ मैक्सिमम हाइट कितना हो गया, एच अपॉन टू। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ट्रैवल करने में कितना टाइम लगा, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ट्रैवल करने में कितना टाइम लगा, ये हम हाँ टाइम हमें निकालना है। तो इस केस में देखो फिर से तुम्हारा इनिशियल वेलोसिटी तुम्हारा क्या है, ऊपर की तरफ यू, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी नीचे की तरफ है, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट एस इज इक्वल टू एच अपॉन टू हो गया, ठीक है। टाइम तुम्हारा टी लग रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में, और एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू माइनस जी, और इनिशियल वेलोसिटी तुम्हारा यू। एक्सेलेरेशन माइनस जी इसीलिए क्योंकि एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायरेक्शन जो है वो इनिशियल वेलोसिटी के या फिर वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन पे है, इसलिए एक्सेलेरेशन को यहाँ पे नेगेटिव ले रहे हैं। तो यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हो गया एच अपॉन टू,
दैट इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी यू इंटू टाइम टी, जिसका वैल्यू हमें निकालना है. एक्सेलेरेशन तुम्हारा यहाँ पे नेगेटिव है माइनस जी, तो दैट इज इक्वल टू माइनस जी अपॉन टू टी स्क्वायर. ठीक है, अब इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. ये देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि तुम्हारा जी बाई टू टी स्क्वायर माइनस यू टी प्लस एच बाई टू इज इक्वल टू ज़ीरो. ठीक है, इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो जी टी स्क्वायर माइनस टू यू टी प्लस एच इज इक्वल टू ज़ीरो. अब देखो ये तुम्हारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो. यहाँ पे x क्या है, x तुम्हारा t को रिप्रेजेंट कर रहा है, a जो है वो तुम्हारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, g को रिप्रेजेंट कर रहा है, b जो है वो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, b इज रिप्रेजेंटिंग माइनस टू यू, और c जो है इट इज रिप्रेजेंटिंग h. c जो है वो तुम्हारा h को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो ऐसे में इस टाइप के इक्वेशन को सॉल्व करने का फॉर्मूला क्या है, दैट x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए. ठीक है, तो हम देख सकते हैं यहाँ से x के दो वैल्यूज आएंगे, एक माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो वो वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा x1 इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, और दूसरा एक और वैल्यू आएगा एक्स टू इज इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए. ठीक है, और टाइम का वैल्यू तुम्हारा जैसे यहाँ पे तुम्हारा क्या टाइम निकालेंगे, तो टाइम का वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होगा. ठीक है, तो ऐसे सॉल्व करोगे तो टाइम इज नेवर नेगेटिव. ठीक है, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो इसका तुम्हारा टाइम का इक्वेशन क्या हो जाएगा, t विल बी इक्वल टू माइनस बी. अब माइनस बी की जगह तुम्हारा क्या है, देखो माइनस टू यू है, तो ये तुम्हारा हो गया प्लस टू यू प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पे क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, मतलब टू यू का होल स्क्वायर, तो हो गया फोर यू स्क्वायर माइनस फोर ए सी. ए क्या है तुम्हारा, जी है, देखो ए का वैल्यू इज इक्वल टू जी, माइनस फोर इंटू ए तुम्हारा जी है और सी तुम्हारा क्या है एच है, सी इज इक्वल टू एच, तो माइनस फोर जी एच अपॉन ट्वाइस ए, ए का वैल्यू क्या है जी, तो टू जी. तो यहां से सॉल्व करेंगे तो टी वन का दो वैल्यूज आएगा, टी वन इज इक्वल टू प्लस टू यू प्लस अंडर रूट फोर यू स्क्वायर माइनस फोर जी एच अपॉन टू जी, यहाँ से 4 कॉमन लेके 2 आ जाएगा तुम्हारा बाहर और 2 2 सारे कैंसिल हो जा रहे हैं, और t2 टू इज इक्वल टू प्लस टू यू माइनस अंडर रूट फोर यू स्क्वायर माइनस फोर जी एच अपॉन टू जी. तो बेसिकली तुम्हारा क्या है कि यहाँ पे दो वैल्यूज आना, मतलब क्या है t1 t2 का मतलब एक टाइम तुम्हारा क्या हो रहा है यहाँ से जा करके यहाँ तक पहुँचा, ठीक है, हाफ ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और फिर देखो ऐसे पूरा ट्रैवल करके एक और बार यहाँ पे फिर से पहुँच रहा है, यहाँ पर फिर से हाफ ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है t2, तो एक टाइम t1 है और एक टाइम ये t2 है. ठीक है, टाइम टू रीच एनी जनरल हाइट h. ठीक है, तो बॉडी को जब फेंके हैं और एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम ये बॉडी जो है किसी सर्टेन वेलोसिटी तक पहुंचा है, सॉरी किसी सर्टेन हाइट तक पहुंचा है, मान लो इस हाइट तक पहुंचा है h इन t टाइम. ठीक है, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू h, टाइम t लगा है, इनिशियल वेलोसिटी u है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस जी, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस जी. तो ऐसे में यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इज इक्वल टू एच डिस्प्लेसमेंट, तो h इज इक्वल टू
यू इंटू ये तुम्हारा हो गया टी माइनस जी बाई टू इंटू टी स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन तुम्हारा ऑपोजिट डायरेक्शन में है इसलिए तुम्हारा माइनस जी हो जाएगा। तो इस इक्वेशन को अब हमें सिंपली सॉल्व करते जाना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा यहाँ से, एच प्लस जी बाई टू टी स्क्वायर माइनस यू टी इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लो, क्या हो जाएगा, जी टी स्क्वायर माइनस टू यू टी प्लस टू एच इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इस इक्वेशन को कंपेयर करो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पे एक्स किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, टी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ए का वैल्यू इज़ बेसिकली इक्वल टू जी, बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू इज इक्वल टू माइनस टू यू, और सी का वैल्यू क्या है, दैट इज इक्वल टू टू एच। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इसको सिंप्लीफाई करने का फॉर्मूला क्या है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। तो ऐसे में तुम्हारा ये जो एक्स है, एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं, टी, तो टी इज इक्वल टू माइनस बी, तो माइनस ऑफ माइनस टू यू क्या हो जाएगा, प्लस टू यू प्लस माइनस अंडर रूट टू यू का होल स्क्वायर, क्योंकि बी का वैल्यू माइनस टू यू है, तो माइनस टू यू का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, फोर यू स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए, ए का वैल्यू क्या है जी, और सी का वैल्यू क्या है, फोर ए सी, है ना, ए का वैल्यू जी है और सी का वैल्यू टू एच है, तो हो जाएगा एट जी एच अपॉन ट्वाइस ए टू ए, ए का वैल्यू क्या है जी, तो टू जी, ठीक है। तो यहाँ पे इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो टी के दो वैल्यूज आएंगे, पहला वैल्यू आएगा टी वन इज इक्वल टू प्लस टू यू प्लस अंडर रूट फोर यू स्क्वायर माइनस एट जी एच अपॉन टू जी। टी टू इज इक्वल टू प्लस टू यू माइनस अंडर रूट फोर यू स्क्वायर माइनस एट जी एच अपॉन टू जी। तो टी के दो वैल्यूज आ रहे हैं, तो बेसिकली इसका मतलब क्या है कि ये जो सर्टेन हाइट एच यहाँ तक पहुँचा, तो बेसिकली बॉडी फिर से ट्रेवल करके यहाँ से लेकर के वापस जो इस पॉइंट पे पहुँचेगा, तो यहाँ पर भी इसका डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एच इट सेल्फ, सेम डिस्प्लेसमेंट दो बार हो रहा है। तो पहली बार ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो तुम्हारा होगा टी वन टाइम पे, और दूसरी बार जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो तुम्हारा होगा टी टू टाइम पे। नाउ रिमेंबर, टाइम का वैल्यू कभी तुम्हारा नेगेटिव नहीं हो सकता, टाइम का वैल्यू इज नेवर नेगेटिव, ठीक है। तो अगर आ भी रहा है ऐसा सॉल्व करने पे, तो सिंपली उसको पॉजिटिव मान करके, पॉजिटिव करके वही तुम्हारा आंसर आ जाएगा टी वन और टी टू के, ठीक है। अगर नेगेटिव आ रहा है तो इनको पॉजिटिव कर देना, तो जो छोटा वाला वैल्यू होगा दैट इज इक्वल टू दिस दिस टाइम विच इट इज़ अंडरगोइंग एच डिस्प्लेसमेंट एट द ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एसेंट, और टी टू जो तुम्हारा ज़्यादा वैल्यू होगा टाइम का, दैट इज इक्वल टू द टाइम इट इज़ ट्रेवलिंग ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिसेंट अंडरगोइंग द सेम डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइट एच। फ्री फॉल, फ्री फॉल तुम्हारा ये कंडीशन है जिसमें द बॉडी बॉडी फॉल्स ट्रूली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। तो ऐसे में क्या है कि बॉडी को देखो यू मतलब ड्रॉप किया जा रहा है यहाँ पे, तो जब ड्रॉप किया जा रहा है तो ऐसे में क्या हो जाएगा, बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे ज़ीरो हो गया, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम कर रहा है जी, और एच हाइट इस बॉडी को ट्रैवल करना पड़ रहा है, एच हाइट ट्रैवल करना पड़ रहा है। तो ऐसे में यहाँ पर अगर देखें इनिशियल वेलोसिटी हो गया ज़ीरो, ठीक है, क्योंकि बॉडी को ड्रॉप कर रहे हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज इक्वल टू जी, डिस्प्लेसमेंट हो गया तुम्हारा हाइट, और यहाँ पे एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का डायरेक्शन जो है वो तुम्हारा सेम डायरेक्शन में, इसलिए तुम्हारा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू प्लस जी, ठीक है। तो यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस, तो वी स्क्वायर माइनस यू तुम्हारा क्या हो जाएगा, ज़ीरो इज इक्वल टू टू जी इंटू एच।
तो फाइनल वेलोसिटी लिख सकते हैं यहां से v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh. तो दिस इज द वेलोसिटी विद विच दिस पार्टिकल विल हिट द ग्राउंड. अगर टाइम निकालने जाए, टाइम निकालने जाए तो क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू u प्लस at कर दो. फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू, ये तुम्हारा वैल्यू आ गया, इसको सब्सटीट्यूट कर लेना, इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 क्योंकि तुम्हारा ड्रॉप कर रहे हैं, प्लस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू g इंटू टाइम. तो यहाँ से लेके यहाँ तक गिरने में टाइम कितना लगा, t इज इक्वल टू v अपॉन g. v का वैल्यू क्या है, देखो t इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh अपॉन g. ठीक है, अगर मान लो हमको डिस्प्लेसमेंट का, मतलब ये जो हाइट है इसका डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन चाहिए, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. तो डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा कितना है, h है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू h. इनिशियल वेलोसिटी तुम्हारा क्या है, ड्रॉप कर रहे हैं तो इसलिए 0, तो 0 इंटू टाइम प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन तुम्हारा क्या हो गया, g इंटू टी का स्क्वायर. टी का वैल्यू देखो ये है तुम्हारा टी का स्क्वायर, तो बेसिकली h इज इक्वल टू ये पार्ट तुम्हारा 0 हो गया, तो क्या हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर. ठीक है, तो ये t का वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करोगे तो RHS में भी देखना h ही आ जाएगा फिर से. ठीक है, तो दिस इज द कंडीशन फॉर फ्री फॉल. हमेशा याद रखो फ्री फॉल में द बॉडी फॉल्स ट्रूली एंड ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी. ठीक है, बॉडी फॉल्स ट्रूली एंड ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी. ठीक है, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विथ अ वेलोसिटी यू फ्रॉम द ग्राउंड. The ball attains a maximum height h max, then find out the time and displacement at which the ball have half of maximum speed. ठीक है, तो body को तुम्हारा क्या है vertically upwards throw किया गया है, body को vertically upwards throw किया गया है, body ऐसे travel करके यहां तक पहुंचा और उसके बाद फिर तुम्हारा नीचे की तरफ गिर रहा है, तो ये height जो हो गया this is the maximum height एच मैक्स. यहाँ पे बॉडी का तुम्हारा वेलोसिटी है u मीटर पर सेकेंड ऊपर की तरफ, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ काम कर रहा है g. ठीक है, फाइंड आउट द टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट एट विच द बॉल हैव हाफ द मैक्सिमम स्पीड. तो बेसिकली हमें एक ऐसा टाइम निकालना है, ठीक है, जहाँ पे मान लो इस टाइम पे तुम्हारा इसका वेलोसिटी कितना है हाफ द मैक्सिमम स्पीड, दैट इज इक्वल टू u बाई टू. तो ऐसे में तुम्हारा टाइम क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, मतलब यहां से लेकर के यहां तक का h डिस्प्लेसमेंट क्या होगा ये निकालना है, ये तुम्हारा स्मॉल h, ये डिस्प्लेसमेंट क्या होगा ये, और मैक्सिमम हाइट जो है इसको ले लेते हैं कैपिटल h. ठीक है, तो सबसे पहले यहां पे देखें इनिशियल वेलोसिटी तुम्हारा क्या है, यहां पे u, इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू u. फाइनल वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी विल बी इक्वल टू हाफ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्पीड. तो हाफ तुम्हारा कितना हो जाएगा, वो तुम्हारा हो गया u बाई टू. एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू माइनस जी. ठीक है, और टाइम t ये हमें निकालना है. ठीक है, तो यूज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यूज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. फाइनल वेलोसिटी तुम्हारा क्या है, u बाई टू, इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू u, एक्सेलेरेशन क्या है माइनस g इंटू टी, ये टाइम हमें निकालना है. ठीक है, तो इसको अगर सिंप्लीफाई कर लें तो क्या हो जाएगा, u बाई टू माइनस u इक्वल्स माइनस जी टी. ठीक है, तो इसको अगर सिंप्लीफाई करते जाओ, यहाँ पे LHS में क्या हो जाएगा, माइनस u बाई टू इज इक्वल टू माइनस जी टी, ये और ये कैंसिल हुआ, तो t इज इक्वल टू u अपॉन 2g. तो बेसिकली इतना टाइम लग रहा है फॉर द बॉडी टू लूज हाफ ऑफ इट्स वेलोसिटी.
तो इतने टाइम में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट कैन बी रिटन एज एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, टाइम का वैल्यू इज इक्वल टू यू अपॉन टू जी, डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना है। तो यू इनिशियल वेलोसिटी का वैल्यू यू इंटू टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू अपॉन टू जी प्लस हाफ एक्सेलरेशन, तुम्हारा वैल्यू क्या आ गया, एक्सेलरेशन का वैल्यू इक्वल टू जी इंटू टी स्क्वायर, टी स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर अपॉन टू जी का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू फोर जी स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसे सिंप्लीफाई कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं इक्वल टू एस इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन टू जी प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जी और ये कैंसिल हो रहा है, तो आ गया यू स्क्वायर अपॉन एट जी। ठीक है, तो यू स्क्वायर अपॉन टू जी अगर कॉमन ले लो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 बाई 4 हो गया। इसको सिंप्लीफाई कर लो क्या हो जाएगा, 4 प्लस 1 5 बाई 4। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, यू स्क्वायर अपॉन टू जी इंटू 5 बाई 4। तो इस टाइम पे रिस्पेक्टिव डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, एस इज इक्वल टू 5 u² अपॉन 8 g। ओके, नाउ दीज आर दी करेक्ट आंसर्स टू दिस प्रॉब्लम, दीज आर दी करेक्ट आंसर्स टू दिस प्रॉब्लम। अ बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद अ स्पीड ऑफ 19 meters per second फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर रिटर्न्स टू अर्थ इन 6 seconds, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पर एक टावर है, ठीक है, एक टावर है जिसका हाइट है h। यहाँ से क्या है, एक बॉडी है जिसको ऊपर की तरफ फेंका गया 19.6 meter per second के स्पीड से, तो यहाँ पे u इज इक्वल टू 19.6 meter per second। और ये तुम्हारा ऐसे ऊपर की तरफ ट्रैवल करके फिर तुम्हारा क्या हो जाएगा, फिर तुम्हारा नीचे ऐसे गिरेगा। तो यहाँ से लेकर के इसे पूरा यहाँ तक गिरने में टोटल टाइम लगा इसे 6 seconds। ठीक है, तो टोटल टाइम इसे लगा 6 seconds। तो ऐसे में फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर एंड रिटर्न्स टू अर्थ इन 6 seconds, फाइंड द हाइट ऑफ टावर, हमें हाइट निकालना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे जब इसको फेंक रहे हैं, ठीक है, तो ये तुम्हारा सेम वर्टिकल हाइट वाले पोजीशन पे है, तो यहाँ पे 19.6 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से फेंके, तो इस पॉइंट तक पहुँचते पहुँचते क्या हो जाएगा, इसका वेलोसिटी हो गया 0। और फिर क्योंकि एक्सेलरेशन जो है वो तुम्हारा अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो एक्सेलरेशन है वो इस बॉडी को फिर से इसका वेलोसिटी इंक्रीज कर करके इस पॉइंट तक इसका वेलोसिटी कितना ले आएगा, इस पॉइंट तक इसका वेलोसिटी यहाँ पे इस पॉइंट पे जब नीचे की तरफ गिर रहा है यहाँ पे फिर से हो जाएगा तुम्हारा u इज इक्वल टू 19.6 meter per second इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो ऐसे में ये निकाल लेते कि यहाँ से लेकर के मैक्सिमम हाइट तक चढ़ने में इसको कितना टाइम लगा। ठीक है, तो टाइम ऑफ एसेंट, इज इक्वल टू t, और इस टाइम ऑफ एसेंट के लिए देखो u तुम्हारा क्या है, u इज इक्वल टू 19.6 meters per second, एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब एक्सेलेशन इज इक्वल टू -g क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे फाइनल वेलोसिटी 0 है। तो ऐसे में फर्स्ट इक्वेशन में मोशन लगाएं, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, फाइनल वेलोसिटी हो गया 0, दैट इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 19.6 माइनस एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू ले लेते हैं 9.8 इंटू टी। इसको सॉल्व कर लें तो टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स आया, मतलब इसको 2 सेकेंड लगा ऊपर चढ़ने में, 2 सेकेंड लगा और फिर नीचे गिरने में 2 सेकेंड लगा, तो टोटल 4 सेकेंड्स पार हो गया, बचा कितना 2 सेकेंड्स, मतलब बॉडी को यहाँ से लेकर के यहाँ तक गिरने में कितना टाइम लगा, 2 सेकेंड लगा। ठीक है, तो ऐसे में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, अब सेकेंड इक्वेशन में मोशन लगा लो, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट एच ये हमें निकालना है, यू तुम्हारा वेलोसिटी इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, 19.6 इंटू टाइम का वैल्यू 2 प्लस हाफ इंटू 9.8, ठीक है, हाफ इंटू 9.8 एक्सेलेरेशन टू ग्रेविटी का वैल्यू इंटू टाइम
टाइम तुम्हारा कितना है, 2 का स्क्वायर, ठीक है, तो 2 और ये तुम्हारा कैंसिल हुआ, यहाँ पे कितना आ गया 19.6, ठीक है। तो h इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 19.6 इंटू क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2 प्लस 1, 3। तो हाइट ऑफ टावर कितना आ गया, फिफ्टी एट पॉइंट एट मीटर्स। दिस इज दी फाइनल आंसर टू दिस प्रॉब्लम। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर्स पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग। द हाइट ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वेयर द बॉल इज थ्रोन इज 25 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। हाउ हाई विल द बॉल राइज एंड हाउ लॉन्ग विल इट बी बिफोर द बॉल हिट्स द ग्राउंड। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पे बताया गया है कि एक बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग का हाइट कितना दिया है, इस बिल्डिंग का हाइट दिया एच इज इक्वल टू 25 मीटर, ठीक है। और यहाँ से ऊपर की तरफ में तुम्हारा एक बॉल को फेंका गया है विथ वेलोसिटी यू इज इक्वल टू 20 मीटर्स पर सेकेंड। तो क्या होगा, ये बॉल ऊपर की तरफ ट्रैवल करके फिर तुम्हारा क्या होगा, फाइनली तुम्हारा ग्राउंड में स्ट्राइक करेगा, ऐसे फाइनली तुम्हारा ग्राउंड में स्ट्राइक करेगा। तो हाउ हाई विल द बॉल राइज, तो हमें सबसे पहले ये मैक्सिमम हाइट निकालना है यहाँ पे ये, ठीक है। तो हम देखते हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये कितना ऊपर ट्रैवल कर रहा है h, और उसके बाद फिर टोटल टाइम कितना लगेगा। तो अगेन यहाँ पे बॉडी जब ऊपर की तरफ ट्रैवल कर रहा है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ है, तो बॉडी का वेलोसिटी डिक्रीज होते होते इस पॉइंट पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इक्वल टू जीरो हो जाएगा। और इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन क्या है, फिर से नीचे की तरफ काम कर रहा है, तो वेलोसिटी जो है बॉडी का वो फिर से इंक्रीज होते होते इस पॉइंट पे तुम्हारा आ जाएगा, इस पॉइंट पे आ जाएगा तुम्हारा 20 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ पे फाइनली ग्राउंड में स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले मैक्सिमम हाइट निकाल लेते हैं, तो मैक्सिमम हाइट पे तुम्हारा देख सकते हैं कि फाइनल वेलोसिटी जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से फेंक रहे हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 20 मीटर्स पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी कितना है, फाइनल वेलोसिटी देखो मैक्सिमम हाइट पे तुम्हारा v इज इक्वल टू जीरो, एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो तुम्हारा माइनस g, क्योंकि बॉडी का वेलोसिटी और एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायरेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में है। डिस्प्लेसमेंट जो है दैट इज इक्वल टू h, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लेते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स 2as। तो फाइनल वेलोसिटी 0 स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी तुम्हारा क्या है 10, ठीक है, माइनस 2 इंटू 10 इंटू डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा h। तो दिस कैन बी रिटन एज इक्वल टू माइनस 400 इक्वल्स माइनस 20h, माइनस और माइनस कैंसिल हुआ h, ठीक है। तो h यहाँ से कैलकुलेट कर लो, h इज इक्वल टू 20 मीटर्स। तो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ये तुम्हारा फर्दर अपवर्ड्स कितना मीटर ट्रैवल कर रहा है, 20 मीटर्स, और ये जो पॉइंट है ये ऑलरेडी 25 मीटर्स अबव द ग्राउंड है। तो हाउ फार अबव द ग्राउंड, ठीक है, इट विल ट्रैवल 45 मीटर्स अबव द ग्राउंड, ठीक है, 25 प्लस 20 मीटर्स। अब तुम्हारा देखते हैं हाउ लॉन्ग विल इट बी बिफोर द बॉल हिट्स द ग्राउंड, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का टाइम निकाल लेते हैं पहले। तो पहले टाइम ऑफ एसेंट निकाल लेते हैं, टाइम ऑफ एसेंट टी, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा लो। फाइनल वेलोसिटी तुम्हारा क्या है, फाइनल वेलोसिटी हो गया तुम्हारा जीरो
इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी कितना हो गया 20 माइनस एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 इंटू टी। तो यहाँ से देख सकते हैं दैट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड, मतलब इस बॉडी को ऊपर चढ़ने में 2 सेकेंड लगा और फिर नीचे गिरने में 2 सेकेंड लगा, तो यहाँ तक टोटल टाइम कितना हो गया 4 सेकेंड हो गया। अब देखते हैं कि इसको यहाँ से लेकर के यहाँ तक 25 मीटर्स ट्रैवल करने में कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, तो इस केस के लिए तुम्हारा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट एस इज इक्वल टू 25 मीटर्स, इनिशियल वेलोसिटी देख सकते हैं तुम्हारे 20 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, टाइम हमें निकालना है और एक्सीलरेशन का वैल्यू तुम्हारा 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, और ये तुम्हारा पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं दैट एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 25 इज इक्वल टू यू, कितना हो जाएगा 20 इंटू टी। ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारा फिर क्या हो जाएगा हाफ इंटू जी का वैल्यू कितना है 10 इंटू टी स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, बस इसको अगर यहाँ कहीं सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 25 इज इक्वल टू 20 टी प्लस 5 टी स्क्वायर, तो लिख सकते हैं तुम्हारा 5 टी स्क्वायर प्लस 20 टी माइनस 25 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये तुम्हारा कितना हो रहा है 125। चलो इसको मिडिल टर्म स्प्लिट कर लो, सॉरी इसको ऐसे ही फॉर्मूला लगा के स्प्लिट कर लेते हैं, टी विल बी इक्वल टू माइनस बी। ठीक है, टी इज इक्वल टू माइनस बी कितना हो जाएगा माइनस 20 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब 20 का स्क्वायर 400 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, तो 4 इंटू 25 कितना हो गया 100 इंटू 5, ये हो गया प्लस और यहाँ पे आ गया 500 अपॉन ट्वाइस ए 10। ठीक है, तो दिस मच टाइम आया, तो बेसिकली यहाँ से लेके यहाँ तक 4 सेकेंड आया 4 प्लस। ठीक है, 4 प्लस यहाँ से तुम्हारा कौन सा जो भी टाइम का पॉजिटिव वैल्यू होगा वो कंसिडर कर लोगे तो उसको ऐड कर देना तो टोटल टाइम आ जाएगा। ओके, दिस इज़ दी फाइनल आंसर टू दिस प्रॉब्लम। अ बलून इज असेंडिंग एट द रेट ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एट अ हाइट ऑफ 39.2 मीटर्स अबव द ग्राउंड व्हेन अ फूड पैकेट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द बलून आफ्टर हाउ मच टाइम एंड विद व्हाट वेलोसिटी डज इट रीच द ग्राउंड। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि ये हो गया ग्राउंड। ठीक है, तो यहाँ पर बलून जो है, ठीक है, बलून जो है ऐसे करके बलून है, तो यहाँ से इसको छोड़ा गया। ठीक है, यहाँ से इसको छोड़ा गया तो इस पॉइंट पर बलून का इनिशियल वेलोसिटी कितना था 0। अब ये बलून जो है यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ प्लस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। अब बलून इज असेंडिंग एट द रेट ऑफ 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, तो बलून क्या हुआ, ये ऊपर ट्रैवल करते गया, ऊपर ट्रैवल करते गया, और ऐसे में तुम्हारा एक पॉइंट आया। ठीक है, इस पॉइंट तक हाइट जो है, हाइट बिकेम 39.2 मीटर। ठीक है, यहां पर जो एच हुआ, ठीक है, दिस एच इज इक्वल टू 39.2 मीटर्स, है ना। तो ये जो हाइट मेरा 39.2 मीटर्स हो रहा है, ठीक है, तो इस पॉइंट के बाद, ठीक है, अब जो है ये बलून से क्या हो रहा है कि एक पार्टी, एक फूड पैकेट है, इसको ड्रॉप किया गया। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि इस पॉइंट पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है, पर इस पॉइंट पे बलून का जो भी वेलोसिटी आ रहा है एट दिस इंस्टेंट, वो तुम्हारा वी कुछ ऊपर की तरफ होगा। तो जो फूड पैकेट प्रेजेंट होगा, जो फूड पैकेट प्रेजेंट होगा, इसके पास भी इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगा, इसी के अलॉन्ग, तो इसको ले लेते हैं V1। तो क्योंकि फूड पैकेट जो है अप टू दिस पॉइंट बलून के साथ साथ ट्रैवल कर रहा है, तो बलून का जो वेलोसिटी होगा फूड पैकेट का भी यही वेलोसिटी होगा, तो दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फूड पैकेट।
दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फूड पैकेट। ठीक है, अब जब इसको यहां से ड्रॉप कर दे रहे हैं एट दिस इंस्टेंट, तो अब ये तो बलून के साथ ट्रैवल नहीं कर रहा है। अब इसके पास इनिशियल वेलोसिटी तो v1 ये है। अब ये क्या होगा, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम कर रहा है, जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। इस एक्सेलरेशन की वजह से धीरे धीरे करके नीचे गिरेगा, और नीचे ये जब तुम्हारा नीचे गिरेगा, ठीक है, तो यहाँ पर ये स्ट्राइक किया वी वेलोसिटी के साथ, ठीक है, ग्राउंड में ये फूड पैकेट। तो हमें निकालना है कि आफ्टर हाउ मच टाइम एंड वेलोसिटी विल दिस फूड पैकेट हिट दी ग्राउंड। ठीक है, तो ये था कंप्लीट क्वेश्चन। तो हमें सबसे पहले ये v1 का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे फॉर बलून पहले निकाल लेते हैं, फॉर बलून। ठीक है, एक्सेलेरेशन तुम्हारा क्या दिया हुआ है, एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू प्लस 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलेरेशन दिया हुआ है। इनिशियल वेलोसिटी हो गया तुम्हारा 0, डिस्प्लेसमेंट जो है दैट इज इक्वल टू 39.2 मीटर्स, और हमें फाइनल वेलोसिटी v1 का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो इसमें यूज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगा तुम्हारा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स 2as। वी तुम्हारा क्या है, हमें यहाँ पे बलून के अपवर्ड मोशन में ये तुम्हारा फाइनल वेलोसिटी है, तो ये तुम्हारा हो गया v1 स्क्वायर माइनस u तुम्हारा क्या है, 0 है, तो 0 का स्क्वायर इक्वल्स 2। एक्सेलरेशन कितना है, 9.8 इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है, 39.2। ठीक है, तो यहां से इसको इधर कहीं सॉल्व कर लेते हैं, तो तुम्हारा क्या हो गया, सो v1 स्क्वायर इज इक्वल टू ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, 2 इंटू, या फिर हमें इसका स्क्वायर करना है ना, फिर तो इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 9.8 लिख सकते हैं, 2 इंटू 9.8 इंटू 4 इंटू, हाँ 4 इंटू 9.8, ठीक है, 39.2 को 4 इंटू 9.8 लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं क्या हो जाएगा, दैट v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू 9.8 का होल स्क्वायर। तो फाइनली लिख सकते हैं दैट v1 विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ होल दिस होल थिंग। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 8 इंटू 9.8 का होल स्क्वायर। तो 9.8 बाहर आ गया, और यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 बाहर आ जाएगा, 2 अंदर आ जाएगा। तो फाइनली v1 इज इक्वल टू 9.8 इंटू 2, ठीक है, क्योंकि 4 बाहर आ रहा है, अंडर रूट 2। ठीक है, तो v1 का जो फाइनल वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 19.6 रूट 2। ठीक है, तो बलून का इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है दैट इज इक्वल टू 19.6 अंडर रूट 2, मतलब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फूड पैकेट इज इक्वल टू 19.6 अंडर रूट 2, और डायरेक्शन कितना है इसका, ऊपर की तरफ है, क्योंकि बलून का डायरेक्शन ऊपर की तरफ था। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, देखो अब इस पॉइंट पे फूड पैकेट का डायरेक्शन वेलोसिटी ऊपर है, एक्सेलेरेशन का डायरेक्शन नीचे है, तो यहाँ पे ले लेंगे एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू माइनस जी। ठीक है, और तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट इसको कितना करना है, ठीक है, देखो इस पॉइंट पे ये ऐसे के ऊपर जाकर के फिर ऐसे वापस से यहाँ पहुँचेगा और फिर गिरेगा, तो ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट जो है दैट इज इक्वल टू 39.2। तो एस जो है दैट इज इक्वल टू 39.2 मीटर्स, है ना।
अब हमें क्या निकालना है, इसका फाइनल वेलोसिटी वी निकालना है और टाइम टेकन निकालना है। ठीक है, तो यहां पे क्या करो, फिर से हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लेते हैं, यूज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना। तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू ए एस, है ना। तो फाइनल वेलोसिटी जो है ये हमें निकालना है वी स्क्वायर, और जो इनिशियल वेलोसिटी हो गया वो तुम्हारा 19.6, ठीक है, रूट टू का होल स्क्वायर हो गया, ये हो गया 19.6 रूट टू का होल स्क्वायर इक्वल्स ट्वाइस इंटू एक्सेलरेशन क्या है, माइनस जी। तो माइनस ये तुम्हारा हो गया 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना हो गया 9.8, इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है 39.2, ठीक है। ठीक है, सारे वैल्यूज लिखना हो गया, और ये तुम्हारा स्क्वायर है। तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो तुम्हारा क्या हो गया, दैट वी स्क्वायर इज इक्वल टू 19.6 रूट टू का होल स्क्वायर, मतलब क्या, मतलब इस पूरे का होल स्क्वायर है, ठीक है, है ना। 19.62 मतलब ये था ना, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू 9.8 का होल स्क्वायर, 8 इंटू 9.8 का होल स्क्वायर, माइनस यहाँ पे कर ले तो क्या हो जाएगा, ये 39.2 जो है इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 9.8, तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 9.8 इंटू 4 इंटू 9.8, ठीक है। तो बेसिकली v स्क्वायर इज इक्वल टू, v स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू 9.8 का होल स्क्वायर। अभी इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, 8 इंटू 9.8 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, देख सकते हो 8 इंटू 9.8 का होल स्क्वायर आ रहा है, अच्छा यहाँ पे एक्सेलरेशन का वैल्यू जो है ये तुम्हारा पॉजिटिव रहेगा प्लस, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी v विल बी इक्वल टू 2 इंटू 8, ये प्लस हो जाएगा, इंटू 9.8 का होल स्क्वायर। तो फाइनल वेलोसिटी जो है v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ दिस होल थिंग, 2 इंटू 8 इंटू 9.8 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो 8 इंटू 9.8 का जो होल स्क्वायर था इसका अंडर रूट का वैल्यू कितना था, 19.6 रूट 2, ठीक है। तो 2 अंदर एक और आ गया, तो बेसिकली ये 2 बाहर आ जाएगा, तो फाइनल वेलोसिटी v हो जाएगा तुम्हारा 19.6 इंटू 2, ठीक है। इस वेलोसिटी के साथ ये ग्राउंड स्ट्राइक करेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से ऐसे करके जा करके फिर ये तुम्हारा क्या हो रहा है, ऐसे करके एक्सेलरेट कर रहा है ना यहाँ पे, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी फिर यहाँ से ऐसे करके इंक्रीज करेगा, इसलिए पॉजिटिवली एक्सेलरेशन यहाँ पे, ठीक है, एक्सेलरेशन यहाँ पे इसलिए पॉजिटिव लेंगे। तो फाइनल वेलोसिटी आ गया, इनिशियल वेलोसिटी मेरा अपोजिट डायरेक्शन में ये था। अब टाइम निकालना है तो यूज़ फर्स्ट इक्वेशन, क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू u प्लस 80, तो फाइनल वेलोसिटी का वैल्यू है तुम्हारा 19.6, इसको ले लेते हैं प्लस 19.6 इंटू 2 इज इक्वल टू u, u तुम्हारा क्या हो जाएगा, देखो इनिशियल वेलोसिटी ऊपर के डायरेक्शन में है, ठीक है, तो हो गया 19.6 रूट 2 माइनस 19.6 रूट 2
है, और जो तुम्हारा एक्सिलरेशन है, फिर एक्सिलरेशन इस पॉइंट पे नीचे की तरफ है, तो ये हो गया तुम्हारा माइनस जी, है ना। माइनस जी मतलब क्या, 9.8 इंटू टी, ठीक है। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेना है, तो 19.6 इंटू 2 प्लस 19.6 रूट 2 अपॉन जी, मतलब ये क्या 9.8 इज इक्वल टू टी, ठीक है। तो इसे सिंप्लीफाई कर लोगे तो क्या हो जाएगा, 9.8 देखो कॉमन लेकर के यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो मतलब यहाँ से 19.6 में से 9.8 कॉमन लेकर के ये कैंसिल हो जाएगा, तो 9.8 कॉमन लेंगे, यहाँ पे रह गया 2 और यहाँ पे रह गया 2, तो रह जाएगा तुम्हारा इसको सॉल्व करने पे टी विल बी इक्वल टू 2 इंटू 2 4 प्लस 2 रूट 2, ठीक है। तो दिस विल बी द आंसर टू दिस गिवन प्रॉब्लम, और ये भी तुम्हारा आंसर है फॉर दिस गिवन प्रॉब्लम। अ बॉल थ्रोन अप इज कॉट बाई द थ्रोअर आफ्टर 4 सेकेंड्स, हाउ हाई डिड इट गो एंड वॉट वेलोसिटी वॉज इट थ्रोन, हाउ फार वॉज इट बिलो द हाइएस्ट पॉइंट 3 सेकेंड आफ्टर इट वॉज थ्रोन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक बॉल जो है, बॉल को तुम्हारे ऐसे करके फेंका गया, तो ये बॉल तुम्हारा क्या बेसिकली ऊपर वर्टिकली अपवर्ड्स फेंका गया और ये वापस ऐसे करके ग्राउंड में आया, तो ये फेंकने से लेकर के ग्राउंड तक आने में टोटल टाइम टेकन वॉज इक्वल टू 4 सेकेंड, टोटल टाइम इज इक्वल टू 4 सेकेंड, ठीक है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि इसको ऊपर जाने में 2 सेकेंड लगा, ठीक है, और नीचे आने में 2 सेकेंड्स लगा, ठीक है। टाइम टेकन टू ट्रैवल अपवर्ड्स, टाइम टेकन टू ट्रैवल अप इज इक्वल टू टाइम टेकन टू ट्रैवल डाउन, ठीक है। तो बेसिकली कितना टाइम लगा, दैट इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स, ठीक है। तो अब हमें देखना है कि हाउ हाई डिड इट गो, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि जब ये ऊपर जा रहा है, ठीक है, ऊपर जा रहा है तुम्हारा 2 सेकेंड के लिए, ठीक है, ऊपर जा रहा है, तो फॉर टी इक्वल्स 2 सेकेंड्स, तो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर काम कर रहा है, नीचे की तरफ काम कर रहा है, तो देख सकते हैं बॉडी ऊपर जा रहा है, एक्सेलेरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो यहाँ पे एक्सेलेरेशन हो जाएगा नेगेटिव। तो बेसिकली एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस जी, टी इज इक्वल टू 2, ठीक है, और तुम्हारा, ठीक है, और यहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी हो जा रहा है, फाइनल वेलोसिटी हो जा रहा है तुम्हारा 0, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी हो जाता है 0, ठीक है। अब हमें निकालना है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक मैक्सिमम हाइट जो है, ठीक है, वो तुम्हारा कितना है, या फिर डिस्प्लेसमेंट कितना है वो निकालना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये निकालते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी क्या था, ठीक है। तो फाइंड, सबसे पहले क्या करेंगे, वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, और फिर वहाँ से हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, ठीक है। तो यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, फाइनल वेलोसिटी तुम्हारा 0 है, इनिशियल वेलोसिटी तुम्हारा हो गया यू, एक्सेलरेशन जो है वो तुम्हारा माइनस जी है, क्योंकि बॉडी ऊपर जा रहा है और एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इनटू टी, ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं दैट इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू यू इज इक्वल टू जी इंटू टी, ठीक है। तो जी का वैल्यू ले लेते हैं 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, कैलकुलेशन आसान होगा, और टाइम का वैल्यू है तुम्हारा 2, तो यू इज इक्वल टू 10 इंटू 2, तो यू इज इक्वल टू 20 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। अब यूजिंग दिस डेटा, ठीक है, हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे
सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा करके डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू निकालेंगे, तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन. इक्वेशन ऑफ मोशन, तो एस तुम्हारा हो गया, एस इज इक्वल टू यू तुम्हारा हो गया 20 इंटू टू, एक्सेलरेशन हो गया माइनस जी, तो माइनस जी बाई टू इंटू टी का स्क्वायर, मतलब 4, 2 का होल स्क्वायर, है ना, टाइम मेरा 2 सेकेंड्स है. तो ये और ये तुम्हारा कैंसिल हुआ 2, तो यहाँ पे क्या गया 20 इंटू टू 40, माइनस जी का वैल्यू 10 है, क्या हो जाएगा 40 माइनस जी का वैल्यू 10, तो हो जाएगा 20, दिस इज इक्वल टू 20 मीटर्स. ओके, तो डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा कितना हुआ, एस इज इक्वल टू 20 मीटर्स, ठीक है. तो हाउ हाई विल इट गो, इट विल गो टू द हाइट ऑफ 20 मीटर्स, ठीक है. तो ये तुम्हारा एक आंसर हो गया. ओके, एंड व्हाट वेलोसिटी वाज इट थ्रोन, तो देखो इस वेलोसिटी के साथ फेंका गया 20 मीटर्स पर सेकेंड, तो ये भी तुम्हारा एक और आंसर हो गया. अब इसका फिर देखते हैं, हाउ फार वाज इट बिलो द हाईएस्ट पॉइंट 3 सेकेंड्स आफ्टर इट वाज थ्रोन, ठीक है. तो ये क्या, देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक 2 सेकेंड गया यहाँ तक पहुँचने में, अब बोला है 3 सेकेंड में ये कहाँ पे था, तो बेसिकली अगला 1 सेकेंड में ये क्या होगा, नीचे ट्रैवल कर रहा होगा, तो आफ्टर 1 सेकेंड ये यहाँ पे कहीं होगा, ठीक है, आफ्टर 1 सेकेंड ये यहाँ पे कहीं होगा. तो हमें निकालना है कि हाईएस्ट पॉइंट से लेके ये कितना नीचे है, ठीक है. तो बेसिकली क्या है कि तुम्हारा इस पॉइंट पे ये तुम्हारा हाईएस्ट पॉइंट है, ठीक है, अब ये हाईएस्ट पॉइंट है, अब यहाँ से लेकर के नीचे की तरफ ट्रैवल कर रहा है फॉर द टाइम पीरियड ऑफ टी इक्वल्स 1 सेकेंड, ठीक है. तो इस केस में ये जो नीचे ट्रैवल किया, ठीक है, जो भी डिस्प्लेसमेंट है उसको ले लेते हैं h, ठीक है, स्मॉल h ले लेते हैं. ओके, और 1 सेकेंड के लिए नीचे की तरफ ट्रैवल कर रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायरेक्शन किधर है, हमेशा नीचे की तरफ होता है. तो हम देख सकते हैं कि वेलोसिटी का मतलब बॉडी का जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी और एक्सेलरेशन तुम्हारा सेम डायरेक्शन में है, इसलिए तुम्हारा क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू प्लस जी. इस केस के लिए इनिशियल वेलोसिटी तुम्हारा हो गया 0 और यहाँ पे कुछ v फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है. अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, h का वैल्यू निकालना है, ठीक है, और 1 सेकेंड के लिए. तो यूज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. तो s के जगह क्या है, हम बेसिकली ये डिस्प्लेसमेंट निकाल लें, तो ये हो गया तुम्हारा h इज इक्वल टू u तुम्हारा हो गया 0 इंटू टी 1 सेकेंड, तो ये गया 0 प्लस हाफ इंटू a, तो क्या हो जाएगा g बाई टू इंटू टी का स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर, ये हो गया 1, ठीक है. तो h इज इक्वल टू g बाई टू, है ना. तो 1 सेकेंड में ये तुम्हारा फर्दर डाउन कितना है हाईएस्ट पॉइंट से, एच इज इक्वल टू 5 मीटर्स, जी का वैल्यू 10 मीटर्स है पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है. तो आफ्टर 1 सेकेंड, आफ्टर 3 सेकेंड, सॉरी, आफ्टर 3 सेकेंड द बॉडी इज 5 मीटर्स बिलो द हाईएस्ट पॉइंट. ओके, तो दिस इज ऑल्सो द आंसर टू दिस गिवन प्रॉब्लम. Two balls are thrown simultaneously, A vertically upwards with a speed of 20 meters per second from the ground and B vertically downwards with a speed of 20 meters per second from a height of 40 meters with the same speed and along the same line of motion. At what points do the balls collide? So basically a tower hai. ये टावर है और इस टावर का हाइट है तुम्हारा h इज इक्वल टू 40 मीटर्स. इस टावर से क्या हुआ कि
तुम्हारा नीचे की तरफ में एक बॉल फेंका गया 20 मीटर्स पर सेकंड के वेलोसिटी के साथ, ठीक है। तो ये है तुम्हारा इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी, ठीक है। बी इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड्स, और ग्राउंड से ऊपर की तरफ फेंका गया, ठीक है, एक बॉल। ये तुम्हारा बॉल बी था और ये तुम्हारा बॉल ए है, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 20 मीटर्स पर सेकंड, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये जो है इस पॉइंट पे कोलाइड कर रहे हैं, तो बॉल ए जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक्स मीटर्स ट्रैवल किया, तो बॉल बी कितना ट्रैवल करके आया रिमेनिंग ये डिस्टेंस, तो ये कितना हो जाएगा 40 माइनस एक्स ट्रैवल करके बॉल बी आया, ठीक है। तो इसे ऊपर चढ़ने में जितना टाइम लगा, इसको नीचे इतना डिस्टेंस गिरने में भी सेम वही टाइम लगा। तो दोनों के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विच इज इक्वल टू एक्स दैट विल बी इक्वल टू यू टी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए इंटू टी, ठीक है। एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ काम कर रहा है दोनों केस में वर्टिकली डाउनवर्ड्स, तो ये हो गया -½ g t² और ऐसे ही तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी जिसको लिख सकते हैं तुम्हारा क्या हो जाएगा 40 माइनस एक्स विल बी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी इंटू टी। देखो दोनों तुम्हारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, मतलब वेलोसिटी एंड एक्सेलेरेशन, तो क्या हो जाएगा +½ g t² ये तुम्हारा हो गया इक्वेशन वन और ये हो गया इक्वेशन टू, ठीक है। तो बेसिकली इक्वेशन एक्स का वैल्यू देखो, एक्स का वैल्यू ये है, तो बेसिकली दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस 40 माइनस एक्स विल बी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए इंटू टी -½ g t² प्लस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी प्लस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी इंटू टी प्लस ½ g t², ठीक है। ये तुम्हारे कैसे एडिंग वन एंड टू, ठीक है, प्लस एक्स माइनस एक्स ये कैंसिल हुआ, +½ g t² -½ g t² ये कैंसिल हुआ, तो ये तुम्हारा हो गया 40 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए इंटू टी। तो बेसिकली टी कॉमन ले लो यहाँ से, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए तुम्हारा 20, ये तुम्हारा +20, ठीक है। तो आ गया तुम्हारा टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड, ठीक है। तो बोथ दी बॉडीज विल कोलाइड, है ना, मतलब ए एंड बी विल कोलाइड आफ्टर 1 सेकेंड, ठीक है। अब ये निकालना है कि वे एट व्हाट पॉइंट्स डू द बॉल कोलाइड, मतलब हमें ये एक्स का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो सिंपली एक्स इज इक्वल टू, मतलब यहाँ पे ये किस पॉइंट पे कोलाइड किया, तो ग्राउंड से हम हाइट बता देंगे कि इस हाइट पे कोलाइड किया। तो एक्स इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए इंटू टी -½ g t² तो ये लिख सकते हैं एक्स विल बी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए, वैल्यूज डाल दो इसमें यहाँ पे 20 इंटू 1 -½ इंटू जी का वैल्यू 10 इंटू 1, तो कितना हो गया यहाँ पे 2 और ये तुम्हारा 5 और यहाँ पे 20 माइनस 5, तो एक्स इज इक्वल टू आया 15 मीटर्स, ठीक है। तो ए एंड बी विल कोलाइड एट अ हाइट ऑफ 15 मीटर्स एट अ हाइट ऑफ 15 मीटर्स फ्रॉम दी ग्राउंड, ठीक है। तो दिस इज दी आंसर टू दिस गिवन प्रॉब्लम। ऑल राइट स्टूडेंट्स, दिस इज इट फॉर टुडे। इस लेक्चर के बेसिस में एक टेस्ट प्रिपेयर किया गया है, एक टेस्ट प्रिपेयर किया गया है जिसके क्वेश्चंस जो हैं वो तुम्हारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है एंड इट इज़ टोटली फ्री।
इस टेस्ट को अपीयर करके आज के लेक्चर में जो भी कॉन्सेप्ट्स बताए गए हैं, जो भी थ्योरी बताए गए हैं, उसको तुम चेक कर सकते हो, ठीक है, कि तुम्हारा कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कितना बढ़ा है. ओके, एंड इट इज़ ऑल्सो गुड फॉर प्रैक्टिस, एंड इट इज़ ऑल्सो गुड फॉर प्रैक्टिस, ठीक है. अब टेस्ट तो यहाँ पे कंडक्ट करवा रहे हैं और यहाँ पे फ्री में लेक्चर्स भी तुम्हारे दिए जा रहे हैं, जिसके सारे लिंक्स जो हैं वो तुम्हारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, या फिर इस चैनल में तुम्हारे सारे लेक्चर्स तुम्हारे फ्री में अवेलेबल हैं, ठीक है. अब तुम्हारे जो यहाँ पे लेक्चर्स के बाद भी तुम्हें एक्स्ट्रा रीडिंग मटेरियल्स के तौर पे फ्री स्टडी मटेरियल्स दिया जा रहा है, जिसके लिंक्स तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, एंड सो दैट यू कैन प्रिपेयर एज पर दीज क्लासेस इज गोइंग ऑन. तो उसके लिए तुम्हारे फ्री में स्टडी नोट्स भी अवेलेबल हैं. तो वंस अगेन यहाँ पर हम इतने सारी चीज़ें तुम्हें फ्री में अवेल करा रहे हैं, सो दैट योर एकेडमिक परफॉर्मेंस इम्प्रूव्स, ठीक है, तुम्हारा एकेडमिक परफॉर्मेंस जो है वो तुम्हारा इम्प्रूव हो, ठीक है. तो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल SIT क्लासेस, डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल SIT क्लासेस, माई नेम इज शक्ति एंड आई विल बी टेकिंग क्लासेस हियर इन दिस चैनल. ओके, तो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर देन.